हेलो स्पेरेंस, वेरी वॉर्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल फिनलिस्ट आईएस। तो रिसेंटली इसराइल और पैलेस्टीन में जो वॉर चल रहा है, इसी वॉर के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसने ग्लोबल अटेंशन ले रखी है, और वो है इजिप्ट का जो रफा क्रॉसिंग है उसको क्लोज कर देने की इवैक्यूएशन प्लान है। लोग यहाँ से जाना चाहते हैं पर इजिप्ट ने इनको रोका हुआ है। रीज़न इज कि वो कुछ चीज़ें नहीं चाहता। वील फर्दर सी अबाउट इट। उसके अलावा हम देखेंगे थोड़ा ज्योग्राफिकल मैनर में इस चीज़ को देख लेंगे। इसके बाद सिनाई पेनिनसुला क्या है, क्यों जो है ये उसको बंद कर रखा है। इसके अलावा हिस्ट्री क्या है रफा क्रॉसिंग की, कैसे ये आया ओरिजिन में, या कैसे कैसे इजिप्ट के कंट्रोल में गया। सो दीज आर द थिंग्स। देन वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। सो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है सदर्न गाजा में, ये ग्लोबल अटेंशन पर है। रीजन इज जो पैलेस्टीनियंस हैं ये गाजा को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो अटैक कर ही रहा है, वो रोकेगा नहीं। सो ये जो ऑनगोइंग पैलेस्टीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसके तहत कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इजिप्ट जो है वो नहीं चाहता कि वेपन्स की या मिलिटेंट्स जो हैं वो सिनाई पेनिनसुला में चले जाएं गाजा स्ट्रिप से इस बॉर्डर के थ्रू, इसीलिए इसको बंद कर रखा है। अब रफा क्रॉसिंग क्या है, तो रफा क्रॉसिंग सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट है गाजा स्ट्रिप का, और इसका जो बॉर्डर है वो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है उससे लगता है। इस क्रॉसिंग को कंट्रोल करने वाला भी इजिप्ट है, और ये इकलौता एग्जिट है जो कि इसराइल टेरिटरी की ओर नहीं जाता। इसके अलावा इस तरफ आप एक क्रॉसिंग और देखेंगे जो केरम शालोम है, लेकिन ये जो है ये केवल गुड्स क्रॉसिंग है, यहां से इंसानों को नहीं जाया भेजा जा सकता। नाउ द थिंग इज इसराइल का जो डिक्लेयर्ड इवैक्यूएशन रोड है अर्बन एरियाज के लिए, वो ये इवैक्यूएशन रूट है। तो इस इवैक्यूएशन रूट के थ्रू पीपल कैन बेसिकली गो फ्रॉम हियर एंड देयर, बट पीपल हु आर लिविंग इन द नियर सिटीज ऑफ द गाजा दे जस्ट वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम हियर। बाकी जो है वो सीमेंटेड वॉल है। सो वील फर्दर सी अबाउट इट। सो और यहीं पे ये इन दिस ग्रे यू कैन सी ये एक रिफ्यूजी कैंप है, यहाँ रिफ्यूजी कैंप है, यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स हैं। सो दीज आर द रिफ्यूजन कैंप्स विद इन द गाजा स्ट्रिप। नाउ केवल दो ही बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, एक एरेस हमने देखा था। एरेस क्रॉसिंग बेसिकली सबसे नॉर्थ में पड़ती है और ये इसराइल में क्रॉसिंग है। तो यहाँ उसके अलावा केरम शालोम ये एक्सक्लूसिवली कमर्शियल गुड्स के लिए है, और एरेस और केरम शालोम जो है इसको इसराइल कंट्रोल करता है, और फिलहाल इसराइल ने इन दोनों को बंद कर रखा है। ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। यू कैन सी, यू शुड रिमेंबर The countries which are nearby, the mountain ranges of this region, because ये काफ़ी news में है, so it would be important for your prelims and the mains. So now what is this Rafah crossing? Here you can see, ये जो है ये Erez crossing है, Israel में जाती है, ये Rafah crossing है, ये you can see, इस type का जो border है ये Rafah crossing है, and ये एक line है, ये एक cemented basically wall है, ये Egyptian side है और ये Palestinian side है, और ये जो बीच में crossing है this is the Rafah crossing. इसके अलावा यहाँ से लोग आके 50 किलोमीटर आके एरिस जा सकते हैं जो कि इजिप्ट में है। इसके अलावा 300 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो कायरो पड़ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज व्हाई पीपल दे जस्ट वांट टू इवैक्यूएट फ्रॉम हियर, बट यहाँ बंद हो गया है। सो दिस इज द केस। लगभग गाजा में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। सो दिस इज इट। एंड लैंड सी के रूट ब्लॉक हैं इसराइल के थ्रू 2007 से। क्यों इजिप्ट चाहता है कि गाजा जो है जो इस बॉर्डर को है इसको बंद किया जाए, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इजिप्ट बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि उसके सिक्योरिटी रीजंस हैं नॉर्थ ईस्ट सिनाई के लिए। रीजन में ऑलरेडी इस्लामिक इंसर्जेंसी है जो 2013 में पीक हुई थी, अभी वो लार्जली सप्रेस हो गई, तो इसीलिए वो दोबारा नहीं चाहता कि जो मिलिटेंट्स हैं वो जो गाजा से जो हमास है वो गाजा से उठ के सिनाई पेनिनसुला में आ जाए। मोर ओवर गाजा का ब्लॉकेट है, जब से हमास ने बेसिकली गाजा का कंट्रोल 2007 से लिया है तब से इजिप्ट बेसिकली इसको ब्लॉक करके रखता है। तो ये जो ब्लॉकेट है बहुत ज़्यादा जो लोगों का फ्लो है इसको हेवली रिस्ट्रिक्ट करता है। हमास ने यहाँ बॉम्बिंग भी की थी, कब की थी हम देखते हैं, और गुड्स का अंदर बाहर जाना ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, हेवली रिस्ट्रिक्टेड है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो 2008 में दसियों हज़ार पैलेस्टीनियंस जो थे वो सिनाई पेनिनसुला में जा चुके थे, क्योंकि हमास ने बेसिकली होल कर दिए थे बॉर्डर फोर्टिफिकेशंस में बम लगा करके। नाउ इजिप्ट ने इसको एक स्टोन और सीमेंट की वॉल से परमानेंट कर दिया। उसके बाद इजिप्ट जो है वो मीडिएटर की तरह काम करता है इसराइल और पैलेस्टीनियंस दोनों के बीच में। अब जब भी अनरेस्ट होता है ऐसी सिचुएशंस में इजिप्ट जनरली बॉर्डर को लॉक कर देता है। तो नाउ लॉक करने के बाद ये एड को एंटर करने देता है, मेडिकल इवैक्यूज को एंटर करने देगा, जैसे रेड क्रॉस बॉर्डर एंड ऑल। सो द थिंग इज कि ताकि लार्ज स्केल मूवमेंट जो है जो लोगों का है वहां से उसको रोका जा सके, क्योंकि हैवॉक दोनों रीजन में बन जाएगा। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है ये एक ट्रायंगल शेप पेनिनसुला है। इजिप्ट में अभी हम इसको आगे ज्योग्राफिकली देखेंगे, इट इज दिस। सो ये एक ट्रायंगुलर बेस्ड पेनिनसुला है। अब इस पेनिनसुला के आप नॉर्थ में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, इसके अगर आप इधर देखते हैं सो ये बेसिकली इसका जो बॉर्डर है
वो 1906 में रिस्टोर किया गया था, जिसमें इजिप्ट को कंट्रोल मिल गया था सिनाई का और इसराइल को कंट्रोल मिल गया था गाजा का। रफा क्रॉसिंग एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया 1982 में अगेन। जो वेट ऐसे क्या ओके सो मोर ओवर वन थिंग इज कि जो रेड सी है वो इसके सदर्न पार्ट में है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। इसके अलावा ये जो गल्फ है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा इसके ईस्ट में है। तो पेनिनसुला में स्विस कैनाल है जो एक मैन मेड वाटरवे है। तो ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कंटेन करेगा, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए। सो द थिंग इज हियर यू कैन सी दिस इज द रिवर नाइल। सो अब हम हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 1906 में ओटोमैन ब्रिटिश एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बॉर्डर एस्टैब्लिश हुआ ओटोमैन रूट पैलेस्टाइन के बीच में, और इजिप्ट जो उस समय रूल हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हो रहा था। तो ताबा से लेके राफा तक के बीच में एक बॉर्डर क्रॉस हुआ। 1979 में इजिप्ट इसराइल की पीस ट्रीटी हुई, जब वॉर हुआ था उसके बाद जब ये पीस ट्रीटी हुई, इसमें से 1906 के जो बॉर्डर थे उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया था, और इजिप्ट को कंट्रोल मिल गया सिनाई का, क्योंकि इसराइल ने पहले इसको एनेक्स कर लिया था, देन ये दे दिया गया और सिनाई का एंड इसराइल को कंट्रोल मिला गाजा का। रफा क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ 1982 में। गाजा इजिप्ट जो बॉर्डर है ये खुला कैंप डेविड एकॉर्ड्स के बाद, लेकिन इसराइल कंट्रोल बॉर्डर जो है वो फिर भी कंसर्न में रहे। 1994 के अराउंड गाजा जेरिको एग्रीमेंट हुआ। इसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी इनके पास लिमिटेड कंट्रोल था राफा क्रॉसिंग का, और इसराइल जो थी ये सिक्योरिटी कंट्रोल रखती थी। 2000 में एरियन शरॉन इंसिडेंट हुआ, इसमें शरॉन की विजिट हुई अल अक्सा मॉस्क पर। तो इससे सेकेंड इंटीफाडा बेसिकली इंक्रीज हो गया, लड़ाइयां इंक्रीज हो गई, इससे दोबारा कॉम्प्लेक्सिटीज आई इसमें। 2001 में इसराइल ने पेनिस्टीनियन वर्कर्स को ब्लैक बेसिकली बैन कर दिया था। तो बैन करने के बाद ये रफा क्रॉसिंग के आसपास नहीं जा सकते थे क्योंकि सेकेंड इंटीफाडा हो चुका था। सो ड्यू टू दिस 2000 रीजन, 2005 का एग्रीमेंट जो है मूवमेंट एंड एक्सेस पर, इसमें जो क्रॉसिंग है ये पेलेस्टीनियन कंट्रोल के अंदर आ गई, लेकिन इसराइल जो था वो इसको कभी भी बंद कर सकता था अपनी विल के ऊपर। देन 2006 में जब गिलाद शलित को हमास ने कैप्चर कर लिया था, और ये बेसिकली एक मिलिटेंट थे और सॉरी मिलिट्री में थे इसराइल की, नाउ इनको कैप्चर करने के बाद 1000 से ज्यादा टेररिस्ट को हमास ने छुड़वाया था। देन द थिंग इज कि इसके बाद इसराइल ने इस बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया जो शलित का कैप्चर था उसके बाद, और ये एक साल तक बंद रहा था। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, मुबारक की एग्जिट हुई इजिप्ट में, तो ये रेगुलर रीओपनिंग होने लगी राफा क्रॉसिंग की। हाउएवर जो सिसी कूप है 2013 का, फिर दोबारा राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। कोविड-19 के टाइम पे हमास ने इसको बंद कर दिया गया था पेंडेमिक की वजह से। 2021 में फिर इसकी रीओपनिंग हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे ईज हुए, तो हमास और इजिप्ट के बीच में बेसिकली बातें हुई और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया, और अब फिलहाल इजिप्ट ने उसको दोबारा बंद कर दिया। तो ये एक ओवरऑल व्यू है सिचुएशन का। प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, द एरिया नोन एज द रफा बॉर्डर समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज विद रेफरेंस टू दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द ओनली रूट फॉर एड टू एंटर द गाजा स्ट्रिप, इट इज आउटसाइड द इसराइल टेरिटरी, इट इज कंट्रोल्ड बाय हमास। How many of the above statements are correct? 1, 2, 3, none. So you can type the answer in the comment section. The latter one is correct or not. Then we have our main practice question. So the question says, what is the reason of conflict between Israel and Palestine? What can be the methods to mediate peace between the two regions? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day. And stay tuned with NLSTIS for your better preparation.